सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुवा में छात्रों ने प्रदर्शन कर प्रिंसिपल पर लगाए आरोप। जनपद हापुड़ की पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और ओपीडी को बंद करा दिया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज में एकत्र हुए और हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे इंटर्न की मांग है कि उन्हें कम से कम 12,000 स्टाइपेंड दिया जाए। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि एक चिकित्सक द्वारा बच्चों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। बेवजह कॉलेज प्रबंधक छात्रों से जुर्माना लगाकर वसूल रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनसे 2 लाख लिए गए, लेकिन न किसी तरह का फेस्ट आयोजित हुआ और न ही किसी तरह की ट्रिप कॉलेज द्वारा आयोजित की गई। इसी के साथ उन्होंने मांग की कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों को तुरंत हटाया जाए। इंटर ने इस दौरान मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि एक छात्र कैंपस में एयरफोन लगाकर वॉक कर रहा था, जिससे 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। गलत तरीके से उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। इसी के साथ उनकी मांग है कि रविवार और त्योहार पर इंटर्न को पंचिंग करने के लिए मजबूर ना किया जाए। अस्पताल परिसर में इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके कारण ओपीडी सेवा प्रभावित रही। मेरा नाम अदिति वर्मा है। कौन सी जगह है ये? ये सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्या मामला हो रहा आप लोगों के साथ? मुद्दा ये है कि यहाँ पे हमारी कोई सुनता नहीं है बिल्कुल भी। हम अगर कोई चीज़ सही के लिए भी रेस करते हैं आवाज़, उसके लिए भी यहाँ पे कोई खड़ा होने को रेडी नहीं है। बाकी जो मैनेजमेंट है, फैकल्टी है, वो हमारा बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले रहा है, बात ही नहीं सुनते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ये हर साल का हो गया है। कौन नहीं सुनते आपकी बात? हमारा मुद्दा ये है कि हमसे बार बार ये कहते रहते हैं कि तुम अगर ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, हम तुम्हारी एक्सटेंशन लगा देंगे हर बात पे। कुछ आप छोटी मांग के लिए जाओ, धमकी आती है, कुछ ये नहीं करते हैं, कुछ सुनते नहीं है। हमारे यहाँ पे कैमराज लगा दिए गर्ल्स हॉस्टल में, जो कि बिल्कुल NMC के अगेंस्ट है। हमारी प्राइवेसी को ये रद्द करते हैं। इसके बाद यहाँ के जो प्रिंसिपल है, उनसे आप हर छोटी बात के लिए, हर मैनेजमेंट के काम के लिए प्रिंसिपल आते हैं हमसे बात करते हैं। और उसके बाद कौन है यहाँ के प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल यहाँ पे डॉक्टर सौरभ गोयल है, जो कि हर मैनेज, वो प्रिंसिपल है बट उनका हर मैनेजमेंट गर्ल्स हॉस्टल के हर मैटर में वो इंटरफेयर करते हैं। आप पेरेंट्स के साथ आ रहे हो रात 10 बजे 11 बजे, वो दूसरे दिन आपको बुलाएंगे, बोलेंगे मैं तुम्हारा एक्सटेंशन लगा दूंगा, मैं तुम्हारे सप्ली लगा दूंगा। आप यहाँ पे कैंपस में घूम रहे हो ईयरफोन्स लगा के, उस पर बोलते हैं कि नहीं इस बात पर तुम्हारी सप्ली लगा दूंगा, 5,000 का फाइन लगाते हैं। वो लगभग हर दिन मैनेजमेंट को 20 से 25,000 फाइन से कमा के देते हैं। हमारी जो स्टिपेंड है यूपी सरकार की तरफ से, वो है 12,000 रुपये, 12 से 13,000 रुपये, जो कि यूपी में सारे कॉलेजेस को मिलती है। ठीक है, हमें कितना दिया जा रहा है? 8,000 रुपये। ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। हमें भी बराबर एक्सेस है जितने बाकी कॉलेजेस में, जिनको सबको मिल रहा है स्टिपेंड, हमें भी बराबर अधिकार है, बट ये बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये कदम स्ट्राइक का हमें इसीलिए उठाना पड़ा क्योंकि 2-3 दिन पहले से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमारे बच्चे, मतलब हमारे जो बैचमेट्स हैं, वो बात करने जा रहे हैं उनसे, बट रिस्पॉन्स नहीं आया, उसी के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। हम यहाँ पे मेंटली, जो अथॉरिटी है, मैनेजमेंट है पूरी यहाँ पे, जितना भी पावर पैसा है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगाने में लगा रहे हैं, एक भी पैसा किसी पेशेंट के सही ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ हो रहा है। ना नई मशीनें आ रही हैं, फार्मेसी में आधी दवाइयाँ नहीं होती, फिर इनको ऑन स्पॉट दवाइयाँ चाहिए पेशेंट के, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कैसे पॉसिबल होगा? हमसे हर बात पे फाइन लग जाते हैं, बच्चा 5 मिनट ले रह जाए फाइन, आप क्लास में अटेंड कर रहे हो तो फाइन, क्लास बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं, टीचर नहीं आ रहा, टीचर्स भी नहीं आ रहे, लेकिन आप आओ क्लास में, कैसे पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो। मेरा नाम सुमित कुमार है। कौन सी जगह है? ये सरस्वती मेडिकल कॉलेज है, ये अनवरपुर हापुड़ में स्थित है। क्या मामला हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर मामला ये है कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं सौरभ गोयल, वो क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना के रखा है जहाँ पे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से, और फाइनेंशियली भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ क्या है कि बच्चों को फेल करने की धमकी दी जाती है, खुलेआम क्लास में बोली जाती है, यहाँ पर उन्हें विभिन्न छोटी छोटी बातों पे भारी भरकम फाइन लगाया जाता है। साथ में किसी के गार्जियन, मान लीजिए यहाँ पे कॉलेज है, अलग अलग राज्यों से आए हैं पढ़ने के लिए, कोई यहाँ पर मध्य प्रदेश से है, कोई केरला से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है। अब बताइए कि एक छोटे छोटे बातों पे, सपोज कीजिए कि हम कान में ईयरफोन लगा के कैंपस में कभी शाम को घूम रहे हैं, इस बात के लिए वो हमें टॉर्चर करता है कि चैम्बर में बुलाया जाता है, साथ में हमारे गार्जियन को बोला जाता है कि आप आइए। अब बताइए इतने छोटे से बात के लिए मेरे पेरेंट्स इतने दूर से यहाँ आएंगे, आने के बाद भी उनसे बात नहीं की जाती है, घंटों इंतजार कराया जाता है, साथ में भारी भरकम फाइन कराया जाता है।
साथ में हमें बहुत तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है। स्टाइफन के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। जब बात कर रहे हैं स्टाइफन डिसाइड करिए 13,000 रुपये, हमें 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 13,000 रुपये के लिए कहा है, ये गवर्नमेंट की बात को भी नहीं मान रहे हैं। और हमारे बैच के जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास है, 15 बच्चों के यहाँ डिपार्टमेंट में रोक रखा है, इंटरनली फेल कर रखा है, मेंटली हैरेस करते हैं सब बच्चों को, हर बैच को। आपका क्या नाम है? मैशर अली। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल तक में कैमरा लगा दी गई है, जिसका एसएस यहाँ पे कॉमन आदमी तक को दे दी गई है। मान लीजिए हॉस्टल का जो एक होता है एक प्राइवेसी होती है, लड़कियाँ हैं लड़के अपने कंफर्ट जोन में, ये वीडियो यहाँ पर जो टेक्नीशियन बैठे हुए वो दिन रात यहाँ देखते रहते हैं। इस बात को लेकर जब कंप्लेन करने जाते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमें धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर तुम बोलोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, तुम्हारे गार्जियन को बुलाया जाएगा। इस तरीके से हमें बहुत सारी धमकियां देके मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासन जो भी है, उच्च अधिकारी है, इस बात को सीरियसली ले, हमारी दुख दर्द को सुने और उचित कार्रवाई करें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या नाम है आपका? मैं भी इंटर्न डॉक्टर हूँ यहाँ का। सबसे इम्पोर्टेंट वो क्लास में मेरे जूनियर बैचेस को खुलेआम धमकी देते हैं, सौरभ गोयल सर जो प्रिंसिपल है यहाँ के, कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, तुम्हारे सीनियर को भी मैंने किया, तुमको भी करूंगा, और तुम मेरे खिलाफ एजिटेट नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूजी से लेके पीजी तक परेशान है उनसे, कोई उनको देखना नहीं चाहता। इसमें फिर भी सिम्स का मैनेजमेंट इतना बेवकूफ है कि उस आदमी को बैठा कर रखा है। ये जितने बैचेस दिख रहे हैं, मोस्ट सीनियर बैच से लेकर के मोस्ट जूनियर बैच यहाँ हमारे साथ खड़े हैं, उसके खिलाफ पूरा एजिटेशन है। और वो आदमी आज हमसे एक बार मिलने तक नहीं आया है। ऐसे नोटिस वो फाइन का दिन भर में 25 निकालता है और 25-30 हज़ार पर डे मैनेजमेंट को कमा के दे रहा है। मैनेजमेंट को सब कैश में डिपॉजिट होता है, सारे कैश में डिपॉजिट होते हैं, ना उसकी कोई स्लिप है ना कुछ है, कैश में। और हमसे पर बच्चा 2 लाख रुपया लिया गया एडमिशन के नाम पे कैश। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा कोई स्लिप लगभग 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया अभी उसकी कोई स्लिप नहीं है, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं है। अभी हमारे कॉलेज में नई सिक्योरिटी अपॉइंट की गई है, ये सिक्योरिटी निहायत ही बदतमीज सिक्योरिटी है। ये यूजी से लेकर के पीजी तक को बदतमीजी करती है। अगर पीजी के कोई हमारे सीनियर गाड़ी कहीं अगर पार्क कर देते हैं, अगर इमरजेंसी केस होता है तो उन्हें जल्दी जाना होता है। ये डिपेंड करता है कि कॉल कहाँ से आ रहा है। अगर वो ऑन ड्यूटी इमरजेंसी कॉल में जाते हैं तो उनकी गाड़ी पार्क हो गई तो उनकी गाड़ी को लॉक कर दिया जाता है 1,000 का फाइन। ये कहाँ का नियम? ये फ्री हैंड भी और दे रखा है। बाहर से कैंपस में दारू पी के रोज रात में लोग आ जाते हैं, वो पीजी से बदतमीजी कर लेते हैं, लेकिन फिर मैनेजमेंट को जब जाते हैं पीजी वाले कंप्लेन करने तो मैनेजमेंट सुनता नहीं है। मैनेजमेंट ये कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, सिक्योरिटी हमारी नहीं है, तुम सिक्योरिटी पे एफआईआर करो। ये क्या मतलब है? अगर आपने अपॉइंट किया है तो आप देखो ना, फिर हमें सीधा चाहिए सौरभ गोयल का रेजिग्नेशन। जो हमारा प्रिंसिपल है हमें वो नहीं चाहिए, वो तुगलक है, तुगलक को गद्दी से हटा। सर हमने सुना है कि वो आप लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल में कैमरेज लगाए हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि उनकी प्राइवेसी बंद हो रही है। मैडम पहली बात तो है कि हॉस्टल उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, किसी तरह उनकी प्राइवेसी पर ना भंग हो रही है ना उनकी प्राइवेसी पर कोई अटैक हो रहा है। जो भी कैमरे लगे हैं बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से लगा गए हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए वही हमने किया है। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो उसके लिए हम देखेंगे, अगर कैमरा को कुछ इधर उधर करना है तो वे आर रेडी फॉर दैट। और बच्चों का कहना है कि जो उनको स्टाइपेंड मिल रहा है वो मतलब एज पर रूल्स नहीं मिल रहा। देखिए हम हैं प्राइवेट कॉलेज, हमारे यहाँ स्टाइपेंड हमारा मैनेजमेंट तय करता है और जो गवर्नमेंट के बराबर ही होता है। अगर बच्चों को हर साल हम रिवाइज करते हैं, इन बच्चों को भी आश्वासन दिया गया है कि मंडे ट्यूजडे तक हम इनका स्टाइपेंड को रिवाइज करके अमाउंट फिक्स करके बता देंगे। और उनकी डिमांड है कि जो प्रिंसिपल है उनको हटाया जाए। देखिए मैडम, प्रिंसिपल किसी बच्चों के कहने से नहीं हटाए जाते। प्रिंसिपल हटाने की बात ये पहली बात तो है कि हमारे उसमें नहीं है, दूसरी बात है हम बच्चों की मांग पर प्रिंसिपल को ना अपॉइंट करते हैं ना हटाते हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैनेजमेंट इसमें डिसाइड करेगा, और प्रिंसिपल के ऊपर अगर कोई इनकी शिकायत है तो उस पर हम लोग गौर करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक, थैंक यू।